बाद मैं अब भी घर की बात को लेके बहुत सरप्राइज्ड हूँ। हेलो हेलो बोलिए। हेलो सुन रही हूँ। जी कहिए। जी उसे लगा कि वो मेरी फोन पर आवाज सुनकर पहचान लेगी, कुछ पता नहीं चल रहा। हेलो मैं परी। परी? हाँ परिहान, कैसी हो तुम लाली डियर? ओह अच्छा परिहान साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, मैं आपको ही याद कर रही थी। लैला, मैं लैला। मैं ठीक हूँ हनी। मैं क्लारा से कुछ जड़ी बूटियाँ तुड़वा रही हूँ अपने बागीचे से। हाँ खैर, तुम्हें मालूम है अगर आप वक्त पर जड़ी बूटियों को नहीं तोड़ते तो वो पूरा बागीचा खराब कर देती हैं। इसलिए आप पहले ही उन जड़ी बूटियों के सर काट देते हैं। अच्छा वाकई में? हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वैसे कभी कभी जड़ी बूटियाँ बहुत जहरीली भी हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमेशा। बस काटते हुए थोड़ा मोहतात रहिएगा, ये हाथ पर काट भी सकती है लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ओ मेरी लाली जान, मैं खुद नहीं निकालती उन्हें, मैं उनको निकलवाती हूँ क्योंकि मेरे पास लोग हैं ये काम करने के लिए। जो भी है अब मेरी बात सुनो, कोई बहाना नहीं चलेगा, अब हम कल मिल रहे हैं, ठीक है? हाँ जरूर कल हम मिलेंगे। एक मिनट रुको, जरा कल नहीं, कल हमें बहुत सारे काम हैं। हाँ हम कल एक टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, ये एक सरप्राइज होगा। लेकिन ओह मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था ये एक सरप्राइज होने वाला था, इसलिए नहीं पता तुम्हें। लेकिन मॉम ने सरप्राइज खराब कर दिया। शुक्रिया। तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा परिहान साहिबा, यहाँ पर ये बात हो रही है कि साफ साफ कह रहे हैं कि कल उन्होंने किसी से कमिटमेंट कर ली है और हमारा वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। मगर आप परेशान मत हो, मैं आपसे मिलने का मौका जरूर ढूंढ लूंगी कोई ना कोई एक दो दिन में। वो माँ है। हेलो मॉम, आप इतनी मुदाखलत क्यों करती हैं? रेहान साहिबा थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ ना कि कल नहीं, कल हमें बहुत सारे काम हैं, आप इतना इसरार क्यों करती हैं मुझे समझ नहीं आता। हाँ ठीक है मॉम, लेकिन देखिए आप हर चीज में मुदाखलत मत करें, मुझे ये कहने पर मजबूर मत किया करें। मुझे पछतावा है कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन पे बुलवाया। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अरे सार, ठीक है खुदा हाफिज। देखो जरा इसने मेरा फोन काटा। बेबी ये कौन सी टेस्टिंग है? मेरी जान हम कल सुबह रवाना होंगे, लेकिन ये तुम मुश्तक ही रहने दो कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है ना? इस बात को सरप्राइज रहने दो। देखो तुमने कहा था कि मैं शादी की तैयारी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा, मैं अपने सारे कामों का बंदोबस्त अपने हिसाब से करता हूँ। अल्लाह तुम कितने अच्छे हो ना। वैसे ये टेस्टिंग वाला सरप्राइज काफी अच्छा लगा मुझे, इसे कितना ख्याल है तुम्हारा? एक अच्छा शोहर बनने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे हो तुम। हाँ ऐसा ही है। चलो फिर चलते हैं, क्या ख्याल? तुम तो खुद जा सकती हो ना? हाँ ट्रैफिक ज्यादा होने से पहले हमें वापस पहुँचना होगा, तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा ले। नहीं जरूरत नहीं, मैं खुद ही चले जाऊंगी, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ सार्फ साहब एक मिनट रुकिएगा, मैंने कुछ नोट्स लिए थे, बस एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, फर्ज था मेरा। मैं आर्था को कॉल कर लूँ जरा गाड़ी आने से पहले। ठीक है मेरी जान। हेलो। हाँ मेरे हैंडसम भाई। हेलो हेलो इट इज हेलो। अरे सर तुमने कैसे पहचाना? जाहिर सी बात है कैसे नहीं पहचानूंगा। और सुनाओ कैसे याद किया, तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ मेरे भाई, मैं जिंदा हूँ, लेकिन बहुत वक्त गुजर चुका है। तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ भाई, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन तब जब हम मिलेंगे। यार एडिस मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या बात? मुझे टेस्टिंग के लिए वाइन यार्ड हाउस की जरूरत है। ठीक है मैं उरला में हूँ, आ जाओ। अच्छा तुम उरला में हो? हाँ। ये तो बहुत दूर है, मुझे नजदीक की कोई जगह चाहिए। फिर चतालका में है, तुम उधर चले आओ। चतालजा? हाँ ये फिर भी ठीक है, ठीक रहेगा। तुम भी उरला में हो है ना? हाँ मैं बात करता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा फिर ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। कोई बात नहीं मेरे भाई, देखो हम बात करते हैं फिर जितने जल्दी हो सके। अच्छा ठीक है मैं रब्ता करता हूँ। ठीक है मेरे भाई। कैसी हो लैला? यार आदम क्या ये तुम हो? लैला जान
कैसी हो मेरी दोस्त, देखो तो कौन आया है। दरअसल हमें मदद की जरूरत थी, वरना हम अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाते। तिजान तुम? आ मारवी, खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम्हें भी खुश आमदीद आदम, ये मुझे दे दो। शुक्रिया। मैं चाहती थी कि तुम्हारा थोड़ा ध्यान बढ़ जाए। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अभी बस हम सफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम सारा पुराना सामान नीचे रख देंगे, नया सामान खरीदेंगे। हाँ, पुरानी चीजों को हटा देते हैं, यहाँ से अच्छी नहीं लगती मुझे वैसे भी। ठीक है, इसके बाद हम घर के लिए कुछ नया सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, जैसे नए सोफे, कुर्सियाँ। हालांकि आजकल मैं अच्छा हिसाब किताब नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी बहरहाल जो भी है। और अगले महीने बाकी का सामान और टीवी। वैसे तुम फिक्र नहीं करो, हम कर लेंगे बजट में रहते हुए सब कुछ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम गोदाम से ले आएंगे सब। गोदाम से? यानी कि वो सामान जो तुमने सार्प के साथ रहने के लिए खरीदा था। मेरी जान, तुम कब सीखोगी, हम नाम का इस्तेमाल नहीं करते। मुझे तो लग रहा था तुम समझ जाओगी अब तक। क्या तुम वाकई संजीदा हो यार, मतलब तुम्हें लगता है कि ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मैं तैयार हूँ, जाहिर है क्यों नहीं मानूंगी मैं। वैसे भी 5 साल गुजर चुके हैं, मैं उस शख्स की शादी करवा रही हूँ, तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ेगा? मेरी तरफ देखो, तुम्हें इस पर इतना यकीन है? ठीक है, चलो अब गोदाम चलते हैं, बहुत सारा सामान लाना है। अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं भूल चुकी हूँ सब। क्या कर रहे हो मेरी जान, सामने देखो। मुझे फिक्र है मेरी जान, मुझे देखने तो क्या होता है। लेकिन हमने बात की थी कि हम शादी से पहले शादी का जोड़ा नहीं देखेंगे, नजर लग जाती है, सब्र रखो। लेकिन मैं एक बेसब्रा शख्स हूँ, तुम्हें पता तो है। और किस किस चीज की बेसब्री है तुम्हें? तुमसे जुड़ी हर चीज के लिए बेसब्र हूँ। लैला, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। नहीं, क्या हुआ, ठीक है सब, मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ की हर एक चीज बहुत प्यारी लग रही है। देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम चाहते थे। वाकई में? ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। देखो अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो मेरी वजह से इसे पसंद मत करना, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मुझे जरा देखने दो, इस तरह भी देखते हैं। तब जनवरी या फरवरी था, बाहर बर्फबारी हो रही है और बहुत ठंडी। हम दोनों घर पर हैं, हमारा घर गर्म हो रहा है, हम दोनों इसी तरह अपने सोफे पर बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा हमें? अरे देखो वहां कोई है। हम इसे खरीद रहे हैं ना? खरीद लेते हैं, अगर तुम्हें पसंद फिर खरीद लेते हैं। लैला चलो, हम नहीं खरीद लेंगे यार। नहीं सदा, वैसे भी ये सब काफी है, और वैसे भी चीजों से क्या होता है। चलो आ जाओ, हम वर्कर्स को बुला लेते हैं ताकि चीजें उठा लें यहाँ से। ठीक है, जाओ। ये देखो, ये काफी अच्छी लग रही है ना, इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छी तो है। नहीं ये कोई इतना खास भी नहीं है, मेरी अम्मी काफी अरसे से यही वॉशिंग मशीन यूज कर रही हैं, काफी साल हो गए, खराब भी नहीं हुई वो। ऐसा करते हैं वो वाले ले लेते हैं, अच्छी है वो। और न्यू मॉडल भी है। जो तुम चाहो। तो ठीक है, ये वाली भी। ठीक है।
क्या तुम ठीक हो? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मुझे पता है बहुत मुश्किल है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी। रो मत। मुझसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बगैर। मुझे नफरत हो रही है खुद से क्योंकि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूं। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी। मैं चाहता हूं कि सब कुछ शुरू की तरह हो जाए। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। वाकई में? हाँ वाकई। सदा, चलो आ जाओ बेड पर सो जाओ। चलो मैं आती हूँ। ये लो भाई मेरे हाथ से खाओ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे भी बहुत आ रही है। अच्छा, तुम्हारी बारी। चलो ये भी ठीक है। शब बख़ैर बेटी। सर्प, ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने गलती की, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। मैं जा रहा हूं वापस। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लला, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, ठीक है? एक तरफ अजियत देते हो मुझे, मुझे नौकरी से निकलवा रहे हो, कोशिशें भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहे हो मुझे। चाहते क्या हो आखिर? कौन सा सही है सार्फ, तुम कौन से हो? सभी, कोई भी नहीं। मुझे नहीं पता लाला, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। बताओ ना मुझे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सच है। क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके चले गए। तुम ये सब कैसे कह सकते हो मुझे? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सब कुछ मैंने किया है और बदला भी ले रहे हो मुझसे। मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा लैला, मैं तो बस सिर्फ क्या सार, तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर के बाहर खड़े होकर? मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कहा कि ये आसान है। हम क्या करें, तुम्हारा काबिले रहम तो नहीं हो तुम। बताओ ना क्या किया जाए तुम्हारे साथ। नहीं, तुम कुछ मत करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो। हाँ करती हूँ, रोज करती हूँ, रोज तुम्हें देखकर समझने की कोशिश करती हूँ।
लेकिन हमेशा नाकाम हो जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझू कोई बात नहीं और जाने दू। तुम उस मंजर में हो सकते थे जो तुम देख रहे थे, लेकिन तुमने जाने का फैसला किया। ये तुम्हारा इंतखाब था, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है अब। ये रात कभी नहीं हुई, मैं यहां कभी नहीं आया। फिर हम जारी रख सकते हैं एक दूसरे से नफरत करना जहां हमने आज छोड़ा था। काश ये सिर्फ आज की रात की बात ना होती, काश तुम मेरी जिंदगी में आए ही ना होते। हेलो, तुम देर से आई हो। पूरा एक मिनट। खैर मैं माजरा चाहती हूँ, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। दोबारा ऐसा ना हो, चलो। वक्त का बहुत ज्यादा पाबंद होना बहुत परेशान कुन नहीं है? पता नहीं किसका गुस्सा वो तुम पर निकाल रहा है, प्लीज नाराज मत होना। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आदम कैसा है? आदम? मेरे ख्याल से ठीक है। ख्याल है? हमारा ब्रेकअप हो गया। ओह, तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? हम दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं चल सका हमारा रिश्ता। मैं दुआ करूंगी उसके लिए। आदम अच्छा लड़का था लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। हाँ ठीक कहा, वो एक अच्छा दोस्त ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। कैसे, क्या आप अपने एक्सेस के साथ दोस्त रह सकते हैं, चाहे रिलेशन थोड़े दिन के लिए ही हो? हो सकता है, हमारे आसपास इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। मुझसे ये कभी भी नहीं होगा। आखिर आपने वो रिश्ता एक अलग नियत के साथ शुरू किया होता है, ख्याल बार बार वहाँ जाता है। मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। जैसे दो लोग एक दूसरे को पसंद करें और फिर वो दोस्त बन जाएं, मुझे लगता है किसी एक को तो उम्मीद होती है, याद रखना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आदम को मुझसे कोई उम्मीद होगी। नहीं नहीं, मेरा ट्रस्ट करो, आदम को अभी भी उम्मीद है और इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहता है। तुम क्या कहते हो जान? हाँ, मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूँ जो तुम कह रहे हो मेरी जान। मेरे ख्याल से अगर दो लोगों के बीच रिश्ता टूट जाए तो उन्हें कभी भी इकट्ठे नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है अक्सर, और कभी कभी तो रोज वही शक्ल देखनी पड़ती है जो आप देखना भी नहीं चाहते। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। एक बार अगर वो मुझे छोड़ के चला जाए तो मेरे अलावा कोई भी उसका चेहरा देख सकता है। मुझे खुशी है कि हम मुत्तफिक हैं इस बात पर मेरी जान। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अगर तुम अपनी एक्स को देखो, मैं जेलस होंगी। थोड़ा सा पागलपन लगता है, लेकिन क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सही कहा। किसी को आना है? नहीं आना। इसी क्या लगता है मुझे इसकी शक्ल देखने का शौक है। बात है, वाह क्या प्यार है। उस बेचारी को कुछ नहीं मालूम तुम्हारे बारे में, अफसोस। उसे जो पता होना चाहिए उसे पता है, फिकर ना करो। जैसे कि क्या वो ये जानती है कि तुम कितने बुजदिल हो, बताओ मुझे। ओह वो भी था, माफ कीजिएगा। वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है, कितना खुश है, लेकिन इस बात से उतनी ही अनजान कि जिससे उसकी शादी हो रही वो बुजदिल है, शादी से ही भाग जाता है। नहीं, उसको बहरहाल जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं उसे कभी मायूस नहीं करूंगा। अब ये बातें तो तुम मुझसे करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त, काफी जबान के पक्के हो तुम। लैला? क्या लैला, लैला क्या,
तुम कह रहे हो उस लड़की से ये बातें कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले? मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैंने तुम्हें कहा कि हमारी जिंदगी से चली जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों जाऊँ? हाँ तुम जाओ, चले जाओ, जो भी है, लेकिन कोई हकीकत नहीं बदल सकता कि तुम बुजदिल इंसान हो। आदम कैसा है? वो तुम्हारा जाली बॉयफ्रेंड? क्या वो अभी भी बॉस्फोरस में तरक्की कर रहा है? फाड़ में जाओ। जब जवाब नहीं देना आता तो बदतमीजी करना शुरू कर देती हो। देखो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। मुझे वहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक ही नहीं मिली जो ठंडी हो। लगता है हमें यहाँ अपना एक नया ब्रांड लॉन्च करना होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा ख्याल है। ऐसा ही है। हाँ मुझे भी यही लगता है। हाँ फिर तो मुझे जल्दी वर्किंग करनी होगी।